देश भर में आईपीएल मैच शुरू होते ही सट्टेबाजी का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसे में राजधानी रायपुर के पुलिस प्रशासन ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। रायपुर क्राइम एएसपी संदीप मित्तल ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। बता दें कि राजधानी पुलिस की टीम लगातार ऑनलाइन सट्टा संचालन करने वाले सटोरियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीम ने आज दिल्ली से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन के माध्यम से बैठी अन्ना ऐप के जरिए सट्टा चल रहा था। पुलिस की टीम ने 9 दिनों में अब तक 66 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों के पास से सामान सहित नकदी भी बरामद हुई। पीएल के दौरान सट्टा खेलने और खिलाने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर क्राइम ब्रांच ने लगभग कुछ दिनों में अभी 9 प्रकरणों में लगभग 67 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसमें लगभग 110 करोड़ रुपए के आसपास के ट्रांजेक्शन की भी डिटेल्स हमें अलग अलग खातों से और इनके अकाउंट से मालूम चली है। इसी क्रम में चौथे महीने में डीडी नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी। उसके मोबाइल वगैरह सीज किए गए थे। उसी सीज डेटा के आधार पर उसको एनालिसिस किया गया, जिससे ये मालूम चला कि दिल्ली में कुछ लोग बैठकर रेडी अन्ना R555 इस ऐप से सट्टा खिलाने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना पर एक टीम जो हमारे दिल्ली में थी उसको एक्टिवेट किया गया। उसने दिल्ली में एक फ्लैट में रेड कार्रवाई की, जहां पर से ये 5 व्यक्तियों को हमें गिरफ्तार करने में हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और इनसे लगभग 4 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ATM और कुछ खातों के डिटेल्स हमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें 2 व्यक्ति नेपाल के रहने वाले हैं, 1 उत्तर प्रदेश का, 1 मध्य प्रदेश का और 1 लोकल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है।